ननन का भाई सास का लड़का, थोड़ा काना पूरा कड़का। वो तो सबकी आंख का तारा, ना कोई शिक्षा काम का मारा। वैसे उसमें कुछ ना खराबी, थोड़ा जुआरी थोड़ा शराबी। ए इंदू, रूठो मत। अरे रूठो मत, मजाक था सारा। अरे सुना तो सही। कुछ नहीं सुनना है मुझे। तुम्हारी शादी की बात चलेगी तब तुम्हें पता चलेगा। क्यों नखरे दिखा रही है? मन में लड्डू नहीं फूट रहे तेरे? अरे ये तो रोने लगी। बस शब्बो, अब उसका मजाक मत उड़ा। मैंने तो कुछ बुरा भला नहीं कहा। अब ससुराल जो जाना है तो बुरा लगता होगा। हाय रे रैया, मुझे अगर ससुराल जाना पड़े तो मैं तो पूरा घर सिर पे उठा लूं। मैं तो शादी नहीं करूंगी। हट, ऐसे नहीं कहती। शादी तो हर एक को करनी ही पड़ती है। हाँ, मगर बात उल्टी क्यों नहीं होती? लड़के ससुराल क्यों नहीं जाते? हमें क्यों जाना पड़ता है? लड़का लड़की को देखकर हाँ या ना कर सकता है, लड़की लड़की को देखकर ना क्यों नहीं कर सकती? क्यों रे, तुझे लड़का पसंद नहीं है क्या? पता है, ऐसा मोटा है, ठींगा, और तू इतनी सुंदर। इंदु, अगर तू रंग रूप से नाराज है तो गलत बात है, ये ठीक नहीं है। मन से निकाल दे। देख, रूप रंग भगवान का दिया होता है। आदमी कितनी ही कोशिश करे बदल थोड़ा ही सकता है, मगर इसका मन और बर्ताव साफ होना चाहिए। मैं तो ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो कभी शराब नहीं पिएगा। वो क्या तुझे पता नहीं आएगा? ए लड़की, मैं शराब पीता हूँ तो भी तू मुझसे शादी कर, वो तो ना ही कहेगा ना। हाँ, और माँ बाप को पता भी हो कि लड़का शराब पीता है तो यही कहेंगे कि शादी के बाद लड़का सुधर जाएगा। लड़का सुधर जाएगा और फिर शादी के बाद मारपीट कौन करेगा? वैसे तो मैं शादी करूंगी नहीं, और की तो अपने पाटिल की तरह किसी अमीर घर में शादी करूंगी। अगर ऐसे घर में शादी करनी हो तो बड़ा दहेज देना पड़ता है। थोड़ा मोटा लड़का है तो क्या हुआ, झट मांगनी पट ब्याह। मुझे नहीं करनी है शादी, मुझे लड़का पसंद नहीं, लेकिन दादी सुनने को तैयार ही नहीं। अभी काम नहीं है तो क्या हुआ, मिल जाएगी नौकरी। अच्छा तो मोटराम बेकार भी है तेरी तो। तू इतनी गुस्से वाली है ना, इसलिए तुझे ऐसा। अरे क्या हुआ? अरे चोट लग गई इसे। एक दूसरे की सहेलियां और बच्चों जैसी मारपीट करती रहती हो। अब तो इसकी शादी होने वाली है ना, जब ससुराल जाएगी तो सब लोग रोते बैठना। हाँ, बस हरदम मारपीट करती रहती। अभी मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन शादी में कितना मजा होता है, बैंड बाजा, मिठाई, गहने, कपड़े, बारात। तू बच्ची है इसीलिए सपना देख रही है। भाभी मुझे तो बहुत डर लगता है, आते ही जाते मुझे 10 बार खाने की आदत है। वहां भूख लगे तो क्या करना, पराए घर में किससे मांगना? भाभी मुझे बड़े भैया की शादी याद नहीं है, पर तुम्हारी तो याद है। तुम जब नई नई आई थी तो अकेले अकेले रोती थी। अगर तुम्हें ये सब मालूम होता कि भरत भैया इतने पीते हैं तो शायद तुम ये शादी कभी नहीं करते ना? हाँ हाँ पीता हूँ, तो क्या हुआ? अरे किसी दूसरे के पैसे से थोड़ी पीता हूँ। अरे तू ही बता, मैं क्या रोज पीता हूँ? आजकल तो बहुत बढ़ गया है आपका पीना। देर से आना, ऊंची आवाज में बोलना अच्छा लगता है क्या? तू कौन होती है पूछने वाले? कल तो आप इतनी पीकर आए थे कुछ सुध बुध नहीं थी, उल्टी करके सारा बिस्तर गंदा कर दिया। मुझसे टेढ़ी बात करती है। मर्दों के मुंह लगना अच्छी बात नहीं है। घर का बड़ा बेटा है वो, है थोड़ा सा तेज मिजाज, तो क्या बिगड़ा? खाना कपड़ा किस चीज की कमी है तुझे? लेकिन
लेकिन मैं तो खबरदार जो उल्टी सीधी बात की। जब तक बहुओं के बेटे नहीं होते तब तक उन्हें भूखा रहना पड़ता है, और यहाँ तो तुम्हारी गोद भी नहीं भरी हुई अभी तक, तो भी दो वक्त तक खाना पेट भर मिलता है। पर आपने झूठ बोल के शादी की है। न मेरी माँ जानती थी न मैं जानती थी कि ये इतनी शराब पीते हैं। तुम्हारे बापू तो जानते थे ना? वही तो, हम सब लोगों ने मिलके बसाया है मुझे। सदियों से यही होता आया है। सदियों से ऐसे ही होता आया है। पर ऐसा क्यों भाभी? सदियों से लोग खेतों में हल चला रहे थे, अब पाटिल जी ट्रैक्टर लाए हैं, तो क्या बातें बदल नहीं सकती? पता नहीं बदलाव कैसे आता है। क्यों, क्या बदलना है? मैं तो कहती हूँ पढ़ना लिखना सीखो, सब कुछ बदल जाता है। अरे इंदु को क्या हुआ? भाभी इंदु की शादी तय हुई है। अच्छा, कैसा है दूल्हा राजा? बोलते हैं मोटा है और उम्र में बहुत बड़ा है। शायद उसने ठीक से देखा नहीं होगा। करता क्या है? कुछ नहीं, आवारा फिरता है। ठीक है, मंगनी हो जाने दो, दो चार सालों में जब तक की शादी हो जाएगी वो भी कमाने लगेगा और तुम भी पढ़ना लिखना सीख जाओगी। नहीं नहीं भाभी, चट मंगनी पट गया। भाभी तुम्ही तो परसों कह रही थी ना, कल करे सो आज, आज करे सो अब। नहीं री, शादी ब्याह के मामले में जो करना है सोच समझ कर करना है। क्यों? और नहीं तो जिंदगी भर की बात है। हाँ, अभी अभी तो यह सयानी हुई है। उस रामदेई की तबीयत इतनी खराब क्यों रहती है मालूम है? बस छोटी सी उम्र थी उसकी जब शादी हुई थी, सयानी भी नहीं हुई थी शायद, साल डेढ़ साल में बच्चा हुआ, वो भी मुर्दा। मुझे तो ये सब सुन के और भी डर लग रहा है। इंदु रो मत, भाभी जरूर तुम्हारी दादी को समझा देंगी। हाँ भाभी, चाची को बताना मत भूलना। चाचा जी चूहे मारने की दवा चाहिए मुझे, बिल्कुल जालिम होनी चाहिए। फसल के बाद हर साल ऐसा ही हो जाता है, गांव में आदमी उनसे ज्यादा चूहे हो जाते हैं। कल तो पाटिल जी के यहाँ भी गया है ये जहर, ये मैंने शहर से बड़ा कैरी मंगवाया है। तो छोटी शीशी में निकाल के दो ना। है तुम्हारे पास शीशी? अब मुझे क्या मालूम आप बड़े कैन में लेकर आएंगे। चाचा जी आपके पास अगर छोटी शीशी हो तो निकाल के दो ना। हाँ देखता हूँ। हाँ, ये देता हूँ। ये तो अपने बैजी देते हैं वैसे शीशी लगती है। इसलिए तो इसे चूहों की दवा कहते हैं, ये वैजी की शीशी है। मगर याद रखो जालिम जहर है ये। खैर मैं इस पर लिखता हूँ, चूहे की दवा, लेकिन याद रख बहुत जालिम जहर है, कोई आदमी इसे दवा समझकर पी न जाए। आदमी पिएगा तो क्या होगा? क्या होगा, उसका चूहा हो जाएगा, मर जाएगा वो। अरे बाप रे, नहीं नहीं मैं उसे संभाल के रखूंगी। हाँ आज तबीयत ठीक नहीं है तो कम से कम आज तो मत पियो, ये रोज रोज का पीना सत्यानाश हो रहा है। अरे चुप बैठते हो या नहीं? तुम्हारी ये रोज रोज की बकबक से मैं तंग आ गया हूं। क्यों ना पीऊंगा? हाँ अरे मर्द हूं मर्द, अपने मन की ही करूंगा। बीवी की बात सुनूंगा तो सब हंसेंगे मुझको। क्यों, बीवी अक्कलमंदी की बात कर ही नहीं सकती क्या? सॉरी मुझे ताना दीते है। अरे वास्तु ने जो बताया था ना मुझे भी ऐसा लगता। नहीं नहीं क्या वो दूसरा वाला डायलॉग तो था ना। हाँ। मैं ऐसा बैठ के ये खुद को तू मारो और मारो।
ये शराबी का दिन शुरू हो गया। हर रोज रात को 10 बजे ये मधुर संगीत शुरू हो जाता है आकाशवाणी। रात के ठीक 10 बज चुके हैं, अब शुरू होता है शराबी के फूल बीवी की धूम। बेचारी भाभी रो रही है। ए रजा, गुस्से के अंदर पागल हो गया तू? भाभी की तकलीफ बड़ा नहीं हो तभी जाके अंदर घुसो। अरे लेकिन बेचारी की रोने की आवाज सुनाई दे रही, मारपीट की आवाज सुनाई दे रही, और हम वैसे ही चल पड़े जैसा कुछ सुना नहीं। यहाँ से ऐसे ही चलो जैसे तुमने कुछ सुना ही नहीं है। ये मियाँ बीवी का आपस का मामला है। हम नाटक वालों की बीवियाँ जरूर हमसे खफा होती है, लेकिन हमारा पागलपन इतना टेढ़ा नहीं होता कि हमारे बीवियों का जीना हराम हो जाए। ये कुछ मिनटों की बात है, पियला आदमी है, कुछ देर बकबक करेगा फिर सो जाएगा, समझ रहा है तू? वैसे भी हम लेट हो चुके हैं, उधर वासु को गुस्सा चढ़ गया होगा। एक, चल जल्दी यहाँ से, चल ना। क्या समझते हो खुद को? क्या समझते हैं? क्या समझते हैं अपने आप को? मुझे मुझे लो सुन लो, अब आ रहे हैं महाराज। पधारिए महाराज, पधारिए। समय क्या हुआ? ए, हम तो बिल्कुल टाइम पे आ गए हैं। अरे तू तो बोला था मंदिर में भजन शुरू होने के बाद हम लोग रिहर्सल को आ जाएंगे। अरे अभी अभी तो हम एक भजन सुन के आ रहे हैं। तू निर्देशक है ना? अरे मेरा मतलब है निर्देशक है ना? है। नाटक देखना है? कौन सा नाटक? देख आकाशवाणी, अब शुरू करते हैं नाटक शराबी के फूल। इसमें जो हमने पहला संवाद लिया है वो है मायके के ताने से। भूख लगी है, खाना परोस जल्दी। मुझे भी तो कब से भूख लगी है। बीवी होकर भूखे रहने की बात करती है? बीवियां होती है भूखे रहने के लिए? दाल में नमक भी नहीं डाला। आपसे शादी हुई तभी मुझे पता था कि दाल में कुछ काला है। मैं कुछ बोली? अभी दाल में नमक नहीं क्यों चिल्लाते? तेरे ये अकल की रंग मुझे मत दिखा, अपने मायके में जाके दिखा। जी मैं मायके चली जाऊंगी। मैं मायके चली जाएगी? क्या रखा है तुम्हारे मायके में? तुम्हारे वो फटीचर बाप एक कौड़ी का दहेज भी नहीं दे सकता? तब तो आप मेरे चेहरे पे फिदा थे ना। अच्छा, तुम्हारी ये सूरत कभी देखी है आईने में? तुम्हारे माँ बाप जो मेरे पांव तले आके गिर गया है, तभी जाके मैंने शादी के लिए हाँ बोला है। अब पेश है, अब पेश है सासू जी की गालियां। हो जाए तैयार। मेरा बेटा, आंखों का तारा, कलेजे का टुकड़ा, सबसे बड़ा, इसीलिए लाडला। ये सबसे बड़ा है? सबसे छोटा, इसीलिए लाडला। इनसे छोटे देवर ये है ना अपने पास? मझला है, इसीलिए तो लाडला है। आगे बोलो। इसकी वजह से, इसकी वजह से मेरे बेटे को गंदी आदत पड़ गई है। नहीं तो जिस घर में सुख चैन हो भला कोई शराब पी के घर में आता है क्या? लेकिन सासू जी ये तो शादी के पहले भी शराब पीते थे। क्यों बेटे? पहले माँ तकलीफ देती थी बेटा। जब वो तो यूं ही पी जाता था। हाँ। थका हरा आता था इसीलिए तो पीता था। मुझे सब दुख हुआ। क्यों करूं? अब देखिए खून भरी मांग अर्थात बीवी को मारपीट। मेरी माँ को गाली देती है? मेरी माँ को गाली देती है? मेरी माँ को गाली देती है? बचाओ, 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 मत मारो, मत मारो। मैंने तो तुझे हाथ भी नहीं लगाया। मारते तो चलो मत। सामान सामान ला सीख ले। नहीं तो क्या कर लेंगे? मैं तो झूठ बोल रही हूँ। तुम जैसे शराबी के बदले कोई लूडो लंगड़े से शादी करा देते मेरी तो अच्छा रहता था। अच्छा, मैं लूला लंगड़ा हूँ? लंगड़ा। तू लंगड़ी? लंगड़ा। तेरा बाप लंगड़ा? लंगड़ा। तेरी माँ लंगड़ी? लंगड़ा। घर के बेस भी लंगड़े? मत मारो,
दाल में नमक भी डालना नहीं आता और आ गए मुझे नखरे दिखाने। तुम जैसे सैकड़ों बीवियां नचा सकता हूं मैं। नचा के तो दिखा, तुम्हारे जैसे शराबी के गले में कौन सी भैंस माला डालती है मैं भी देखती हूँ। अच्छा वो शराबी हो? शराबी। अपने पति को शराबी कहती है? शराबी। चुप। शराबी। चुप। भी दिखाता हूँ तुझे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। रुक। मम्मा बचाओ, बचाओ, बचाओ। ये ले। कितनी मजबूत है तेरी कलाई। अरे तू तो मारते ही जा रहा है, मारते ही जा रहा है, बिना वजह मारते जा रहा है। बिना वजह ही तो मारते हैं बीवी को। बिना वजह मारता है वो बीवी को मारते होंगे, लेकिन मैं तंग आ चुका हूँ। अच्छा। बस होगा ये तमाशा तेरा। अब 23 है, बीवी बने ज्वाला अर्थात बीवी का सपना। अरे शराबी कहीं के, आज तक मैं चुपचाप सहती रही, माँ बाप की डर की वजह से मैं सहती रही, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लेकिन आज नहीं, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं, नहीं, नहीं। अरे शराबी कहीं के, डोंगर जाकर मुझसे शादी की। अरे नहीं, 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 मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरी अम्मा, मैं फिर से तुझसे शादी कभी नहीं करूंगा। क्या? नहीं नहीं, शराब कभी नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पीऊंगा? अपने पैसों की पीता हूँ, तुमसे थोड़े मांगता हूँ। हाँ, मेरे ही पैसे की पीते हैं आप। खेत में मजदूरी करूं मैं, घर की देखभाल करूं मैं। आपको पता भी है आपके खेत में क्या उगता है? ये फसल कब बनाई जाती है, कब काटी जाती है, उसे कब पानी देना होता है, बाजार में जाके उसे कब बेचना होता है। बस दलाल के पास पैसे लेने जाते हैं तो क्या आपके पैसे हो गए? वो मुझ पे रोक जमा दिए। चल चल चल, निकल जाओ मेरे घर से। ये घर मेरा है, ये खेत मेरा है, ये भैंस बकरे ये बीवी मेरी है। मैं जो चाहूं करूं। उसके मुलाक की दो चार गालियां देता सो जाता, तू हमेशा उसे उकसाती रहती है। आप तो मुझे ही खोस रही है, मारपीट भी मैं सहन कर लेती हूँ, लेकिन ये इनकी हालत इन्होंने खुद बनाई है। जाने दो ना दीदी, इस वक्त कहाँ झगड़ रही हो? और नहीं तो क्या, देख मेरे भरत को कितनी तकलीफ हो रही है। अरे मेरा मुँह क्या देख रही है? वैद्य से दवाई लेके। शीशी लेकर आना चाहती दीदी। कौन सी शीशी? दो है, ये देनी है ये। क्या मतलब दो सी? नहीं नहीं, ये तो चूहे मारने की दवाई है, लो जहर है ये, जालिम जहर है। देखो वो चाचा ने भी लिख के दिया है इस पे, चूहे की दवा है ये। हाँ ये दवा है पेट की दवा, ये पेट की दवा। अरे तू पागल तो नहीं हो गई? अब दोनों एक जैसी है, दोनों पे भी लिखा हुआ है। जहर भरा है क्या? नहीं, एक पे पेट की दवा है, एक पे चू। अरे अब कहाँ चली? क्या कहती हूँ मैं? अरे देख देख, ये है चूहे की दवा और ये है पेट की दवा, समझी? अब रो मत, अच्छा हुआ पिलाने से पहले दोनों शीशियां सामने आ गई, वरना क्या हो जाता। अब ये पेट की दवा है ना, वो जाके भरत देवर जी को पिला दे। जा जा दीदी, ये चूहे की दवा ना? हाँ है,
तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? मैंने अभी पढ़ के दिखाया, चूहे की दवा। इसे पीने से आदमी मर जाएगा। अरे ये क्या बात हुई, जहर जो है। अरे 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 क्या कर, अरे क्या कर रही है? ना 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 रो मेरी बच्ची, ना रो, चुप चुप, नहीं 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 ना, शांत हो जा, चुप, नहीं नहीं चुप। जानती हो तुम क्या पिला रही हो? लेकिन इतनी रात गए, तुमको कौन मर्द मिला ये पढ़ के दिखाने के लिए? मर्द नहीं, औरत। ऐसे समय औरत ही काम आती है, औरत के। क्या परमेश्वरी ने पढ़ के दिखाया तुझे? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र, जेठानी की बहू को लंबी उम्र मिले। क्यों रे, तू क्यों नहीं पढ़ सकती? तुझे किसने रोका है? हमारे नसीब में तो ये दो मिट्टी के गोले, गोबर गणेश। बहू, आज मुझे तुझ पर गर्व हो रहा है रे। जब महादेव शहर को गया तब मुझे लगा कि अच्छी ना कटी देवरानी की, आज उसकी बहू पढ़ नहीं सकती, मेरी बहू पढ़ लेती है। लेकिन आज वो पढ़ाई लिखाई किसी को नीचा दिखाने के काम नहीं आई, बल्कि किसी की जान बचाने के लिए। अरे मेरा तो जी चाहता है कि तेरी नजर उतार लूं। आंखें तो हमारी भी है री, हम सब की सब अंधी हैं। खराब नजर को अंधा कर गई, अनाड़ी आंखें धोखा खा गई, लिखी पड़ी फिट नजर है सबके, इस उलझन में काम में आई। जीत लिया है मैंने घर को, रख संभल के मैं इस पल को, नई नजर है मेरी पढ़ाई, नई जिंदगी मेरी पढ़ाई, सबको प्यारी मेरी पढ़ाई। नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर, मेरी जिंदगी भैंस बराबर, भैंस बराबर, अकस मेरी भैंस बराबर, भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर, भैंस बराबर, भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस।